यदुवंशी क्षत्रिय जादौन जाडेजा भाटी और चुडासमा। इन वीर क्षत्रियों के इतिहास के वर्णन से पूर्व इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। आदिकालीन ऋषि अत्रि के वंशज सोम की संपत्ति सोमवंशी अर्थात चंद्रवंशी कहलाए। इस वंश के छठे चंद्रवंशी राजा ययाति के पुत्र चंद्रवंशी राजा यदु के वंशज यदुवंशी कहलाए। यदुवंश की 39वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण हुए और वही श्री कृष्ण से 88वीं पीढ़ी के राजा भाटी अंतिम यदुवंशी शासक हुए। अंतिम यदुवंशी शासक से अभिप्राय यह कि राजा भाटी के बाद यदुवंश यादों भाटी जाडेजा और चुडासमा उपशाखाओं से जाना गया। यादों से जादों और फिर जादौन, इस प्रकार यदुवंश में भाटी जादौन जाडेजा और चुडासमा राजपूत वंश चले। जाडेजा और चुडासमा गुजरात में सबसे ज्यादा है। वर्तमान में करौली राजस्थान यदुवंशी जादौन राजपूतों की सबसे बड़ी रियासत है, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। करौली राजघराने से आकर ठाकुर छत्रभुज सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अबागढ़ जागीर बसाई। राजा बलवंत सिंह अबागढ़ जागीर के बहुप्रसिद्ध राजा हुए हैं। इन्होंने कॉलेज निर्माण के लिए हजारों एकड़ जमीन दान में दी, जहां उनकी मृत्यु 1909 के बाद उनके नाम से राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा में बनवाया गया। जादौन राजपूतों के ठिकाने अबागढ़ मिश्रा गभाना तहसील पूरी जादौन राजपूतों की है। खुर्जा से लेकर टूंडला हाथरस तक जादौन ही है। जिला बुलंदशहर में भी जादौन राजपूतों के काफी गांव हैं। अलीगढ़ जिले में 80 से 100 गांव हैं। कोटला रहीहाबाद शमशाबाद आगरा मुसफाबाद खिरौर मैनपुरी सिरसागंज फिरोजाबाद सिरसागंज और शिकोहाबाद क्षेत्र के आसपास लगभग 84 गांव में जादौन राजपूतों की बहुतायत है। फिरोजाबाद जिले में और भी यही गांव है जहां जादौन राजपूतों के ठिकाने हैं। अदीक मथुरा कौल हसनगढ़ अकबराबाद सिकदाराराम खैर किरावली जेवर बुलंदशहर। इसके अलावा बुलंदशहर में लगभग 100 से 150 गांव ऐसे हैं जहां जादौन राजपूत बहुतायत में है। आदि उत्तर प्रदेश में जादौन राजपूतों के ठिकाने हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में लगभग 400 से 450 गांव जादौन राजपूतों के हैं। उत्तर प्रदेश में बसे ज्यादातर जादौन करौली से आए अपने पूर्वजों की संतान है। करौली जिले में जादौ पट्टी में 37 जादौन के ठिकाने हैं। भिंड और मुरैना मध्य प्रदेश में भी जादौन के लगभग 30 गांव हैं। कुछ के नाम यहां उपलब्ध है। मुरैना के गांव चिचिहा धमकन अटा कीरतपुर सुमावली नरहेला बुरावली शितपुर बडोना बांसी गढ़ी हथरिया कुरखान केमरा। भिंड के गांव सोंधा मानपुरा चंदपुरा विजयपुरा जेतपुरा रसनोल पीपरपुरा बिरखड़ी अटर तहसील में उडोदगढ़। मुरैना के पास सबलगढ़ में हीरापुर गांव के आसपास बहुतायत में जादौन राजपूत बसे हैं। लगभग 50 गांव हैं। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर के दीग में 15 से 20 गांव हैं। इस वंश की 8 शाखाएं बताई जाती है। जादौन करौली का राजवंश, भाटी जैसलमेर का राजवंश, जाडेजा कुच्छभुज का राजवंश, समैचा सिंध के मुसलमान। बाकी के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जाडेजा और चुडासमा दोनों के बारे में ऐसा मत है कि ये समा में से अलग हुए हैं, जो कि यदुवंश का हिस्सा था। जाडेजा और चुडासमा की ओर भी दो उपशाखाएं हैं, सरवैया और रायजादा। चुडासमा सरवैया और रायजादा ये तीनों एक ही वंश की उपशाखा है। करौली के जादौन भगवान श्री कृष्णा की 64वीं पीढ़ी के है। करौली जिले में जितने भी जादौन हैं उनकी 52 तड़े शाखा हैं। करौली जिले में जादौन तड़ है गौंजा पाल मुकुंद रेदास आदि है। इस वीडियो में मौजूद जादौन राजपूतों के ठिकाने के अलावा भी पूरे भारत में जादौन राजपूतों के और भी कई ठिकाने हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनके नाम यहां उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले जाधव मराठा क्षत्रिय भी करौली राजस्थान से निकले जादौन राजपूतों की ही एक शाखा है। करौली की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई। धन्यवाद। जय चंद्रवंशीय अवतार भगवान श्री कृष्णा। जय श्री ठाकुर जी महाराज।